हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि इससे बाहर आपके इस अध्याय से कुछ पूछ ही नहीं सकता है, और इस सेशन में हम लोग विस्तृत ही डिस्कस करेंगे। यानी 10 विस्तृत क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछेगा, और इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सा है क्वेश्चन जो कि आपको तैयार रखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये देखिए 19 में आया हुआ है, तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसको तैयार कर लेना है। ये आप क्वेश्चन बैंक में खोजेंगे आपको मिल जाएगा। अगला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, जिसे हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, और देख सकते हैं कि यह 10, 16, 17 और 20 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, उसका परिभाषा आपको देना है, और एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण आपको सूत्र यहां पर प्राप्त करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वो अगला पिछला वाला क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जैसे जैसे बताते वैसे वैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको सभी छात्रों को तैयार करके ही जाना है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो आप जानते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये हर साल आता है। इसके दोस्तों, गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन करने के लिए 2020 में ये आया हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी माना जाएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से आपको प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको तैयार कर लेना, क्वेश्चन बैंक में खोजेंगे आपको मिल जाएगा। और इसका पढ़ाने के बाद इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप क्वेश्चन को पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, 19 में क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए, अलग अलग कहने का मतलब वही, बस खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, ये अलग अलग सेट में करके पूछा हुआ था, लेकिन आंसर सबका सेम होगा। यहाँ पर भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का आपको निगमन करना, और 20 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित चालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। 13 और 19 में क्वेश्चन आया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। और इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताया, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। वो क्वेश्चन आएगा और आपको करके वहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, इससे बाहर इस अध्याय से कुछ नहीं पूछेगा विस्तृत में, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि आएगा भी। आप लोग कमेंट करते सर इंपॉर्टेंट बताइए, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आपका मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन बैंक से इसको खोज करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में खोजना नहीं, पहले अध्याय में आप खोजेंगे, आपको सभी क्वेश्चन ही वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं, लेकिन क्लास को टाइम से ले नहीं पाते। ठीक है, क्लास को लोग टाइम से नहीं लेते हैं, तो ज़रूर आप लोग क्लास को टाइम से लिया करिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो जो भी नोटिफिकेशन क्लास की जाती है उसको आप लोग लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा और बेनिफिट ही साबित होगा। ठीक है, बाकी आप लोग होली में आराम से इंजॉय करते रहिएगा, लेकिन पढ़ाई आपको साथ में करते रहना है, क्योंकि अगर पढ़ाई पेपर बनाया जाएगा तो हम अगले साल भी होली मना लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।